राम राम तो कहते हैं, कहाँ है राम? अपने दिल में बैठा है। सदगुरु ने परखाया है कि दिल में है, किंतु हम दिल तरफ इतना ध्यान नहीं देते, धन तरफ देते हैं, परिवार तरफ देते हैं, मठ मंदिर तरफ देते हैं, चेला चाटी के तरफ देते हैं, मतलब दुनियादारी में ही मन को लगाते हैं, अपनी ओर मन को नहीं लगाते हैं। तो ना राम खुश होगा, ना आप खुश होंगे, कोई खुश नहीं हो सकता। अपनी बातों को भी एक कबीर की वाणी के आधार पर कुछ चर्चा करूंगा। साहब ने कहा है, बीजक में रमैनी प्रकरण है, 84 रमैनी है। पहली रमैनी में तो आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, पूरे बीजक में क्या कहना चाहते हैं उसकी बातें रखते हैं, और आखिरी रमैनी में जो पूरी रमैनी में कहना चाहते उसकी बातें रखते हैं। 84 रमैनी में 84 के चक्कर से कैसे आप बच सकते हैं उसकी चर्चा है। पहली लाइन है, ऐ जियरा तैं अपने दुख ही संहार। साहब का संबोधन भी बड़ा सुंदर है, ऐ जीव तुम अपने आप को दुखों से बचने के लिए संभाल लो। ऐ जियरा, ऐ जीव अपने आप को दुखों से बचा लो। पहली रमैनी में क्या है? अंतरज्योति। अंतरज्योति शब्द से साहब चालू करते हैं। अंतरज्योति मतलब एक बाह ज्योति है, दिख रहा है, बाहर का प्रकाश है। अंदर का प्रकाश कौन है? उसी को हम आत्म तत्व कहते हैं, चेतन तत्व कहते हैं, चेतना कहते हैं, राम कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। जो आपको मंजूर है उसके लिए कह लो, किंतु होना चाहिए हृदय निवासी। उस हृदय निवासी को आप जैसा कहना चाहो कह लो, और बड़ी लंबी लंबी चर्चा कर लो, व्याख्या कर लो, और हृदय में ना मान करके बाहर मानते रहो, तो साहब कहते हैं ये उसका, वहां कोई अस्तित्व तो उसका मिलने वाला नहीं। पहली रमैनी में भी आत्म ज्योति की चर्चा करते हैं, चेतन ज्योति की चर्चा करते हैं। आखिरी रमैनी में भी उसी को कबीर साहब कहते हैं, ऐ जियरा, ऐ जीव तैं अपने दुख ही संभाल, अपने आप को दुखों से बचा ले। और पूरी रमैनी प्रकर में दुख क्या है, सुख कैसे मिलेगा, दुख का निवारण कैसे होगा, अब पूरे कहने का तो समय है नहीं, उसके लिए एक कम से कम एक दो महीना बैठना पड़ेगा, तब पूरी रमैनी की चर्चा हो पाएगी। बहुत दुख दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी है। अल्प सुख दुख आदेव बनता, मन भुलान मैं घर में मनता। ये बहुत कुछ है, पूरे 84 रमैनी तक चर्चा किए हैं। आखिरी में साहब एक बड़ा करुणा विगलित होकर के सुझाव दे रहे हैं, अपने आप को दुखों से बचाने का कुछ सोचो तो करो। कौन से दुख से? जही दुख व्यापी रहा संसार, वह दुख जो सारे संसार में व्याप्त है, केवल आप ही पास है ऐसा नहीं। किसी के पास धन कम है तो उसका लगता है भैया क्या करें, इतना मेहनत करते हैं, कोई परिवार बसाया किंतु बच्चे नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए उसलिए दुखी होते हैं। कोई इसलिए दुखी होते हैं कि शादी तो किया है, स्त्री भी आ गई, किंतु महालड़ंकिन है, महालड़ाकू है, बच्चे तो हैं, दो चार बच्चे हो गए किंतु कोई कहने नहीं मानते। ये प्राइवेट प्राइवेट दुख है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग सुखी भी हैं, उसी में कोई शादी करके सुखी भी है और कोई शादी करके दुखी भी है, कोई बच्चे पैदा करके सुखी भी है, कोई बच्चे पैदा करके दुखी भी है, कोई मकान बना करके
और धन दौलत इकट्ठा करके सुखी भी है, कोई दुखी भी है, इसमें दो मत तो हो सकता है। किंतु जिस दुख के कबीर साहब वर्णन कर रहे हैं, यही दुख व्यापी रहा संसार। जिन दुखों में पूरे संसार के लोग दुखी होते वो कौन सा है जानते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख कहा गया। महात्मा लोग कहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति बहुत सुंदर है भैया, यहाँ जितने ढंग से दुख और दुख की निवृत्ति की चर्चा हुई, कबीर पंथ तो है ही, इसके अतिरिक्त वैष्णव हैं, सनातनी हैं, सन्यासी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सब भारतीय दर्शन है भारत। किंतु जो ये मुस्लिम है जो विचारधारा है और ईसाइयों का विचारधारा है पाश्चात्य संस्कृति का, वहां ये है कि जब वो जो ईश्वर अल्लाह खुदा है वो कुछ कर देगा तब हमारा कुछ होगा, बस उसका नाम करते रहो, नाम जपते रहो। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ भारतीय संस्कृति का मूल है पहले अपने को सुधारो, फिर ऑटोमेटिक बाकी चीज मिलना चालू हो जाएगा। आप पहले आपका पेट भरेगा तभी तो दूसरे को आप खिला सकोगे, खुद ही भूखा होकर के दूसरे कैसे खिलाओगे? खुद आपके पास धन नहीं है तो दूसरे का कैसे सेवा करोगे? ये भारतीय संस्कृति का मूल है। और ये जो तीन दुख है इसमें सारे हमारे भारतीय संस्कृति के लोग इसको स्वीकारते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक क्या है? देह का दुख, किसी को बुखार हो गया, किसी को भी हो सकता है, याद रखिएगा, गुरु सदगुरु जगत गुरु सब किसी को भी हो सकता है। देह का दुख, देह का दुख मतलब दैहिक मतलब किसी प्रकार से रोग से ग्रसित हो जाना। महात्मा बुद्ध भी आखिरी में इतने पेचिस हुआ पेचिस से उनका शरीर छूट गया। ये जो विवेकानंद है आखिरी में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया उससे दुख हुआ। महर्षि रमण थे उसके यहाँ हाथों में, दोनों हाथों में कैंसर हो गया था। विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनको भी कैंसर हो गया। आज भी बहुत बड़े बड़े महात्मा लोगों को हो जाता है। देह का दुख सबको भोगना पड़ता है, अब इसे बचने का उपाय क्या है? संयम, जो चीज आपको अनुकूल नहीं है उससे उसको ग्रहण ना करो। ज्यादातर ये जितने रोग वगैरह होता है उसका कारण बताते हैं ये नशा वगैरह जो करते हैं ना, वो मीठा जहर है, खाते समय तो आपको लगता है थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसा कहते हैं भाई खाने वाले, अपने को पता है। खाते समय तो उनको लगता है कुछ बेचैनी हो रही है, खाने से कुछ उनको रिलैक्स हो, किंतु मीठा जहर है, धीरे 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 आपके शरीर को खोखला कर देता है। दुख से, शारीरिक दुख से बचने का उपाय, फिर भी कई ऐसे रोग होते हैं, कर्मों के ऐसे खेल होते हैं, हजार संयम करो तो भी रोग हो जाता है। अभी बता रहे हैं कहां भैंस मुंडी से आए, बढ़िया छान के पानी सब कुछ कर रहे थे, किंतु पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ, अनेकों का पेट गड़बड़ कर, अब पानी का गड़बड़ था, खाना पीना, मेरा भी पेट गड़बड़ हुआ, साहब का भी हुआ और कई लोगों का, 2500 आदमी का। पानी कुछ ऐसा क्या पुराने कुआं का पानी खींचा और उसमें उबालने से भी ठीक नहीं हुआ, उबाल के ही पिए तब भी ठीक नहीं हुआ। अब कुछ जगह ऐसी होती, ये देखिए खाने पीने में, खाने की असावधानी हो, पीने की असावधानी हो, रोग होता है उसका निवारण करो, दवा करो, दारू करो, जो भी। तीसरा है, दूसरा है दैविक दुख। दैविक मतलब होता है देव, देव किसको कहते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के जो वातावरण है उसको, प्रकृति को देव कहा गया, देव। ये जो देव मतलब होता है प्रकृति, प्राकृतिक दुख, वो कौन कौन से है? ये है जैसे आग से जल जाना, आग से
जल जाना, भूकंप आया, अब उसमें आपका क्या दोष है? भूकंप आ गया, धरती ऐसे ऐसे हिला, मकान पड़ गया, कैसे करो? ये क्या है? ये दैविक दुख है। आग से जल जाना, बहुत बरसात होगी, इतनी बरसात हुई कि पूछो मत, गांव के गांव बह गए। आज का जमाना बहुत सुंदर है भैया, जिस समय कहा जाता है कि सतयुग और द्वापर और त्रेता में बहुत सुंदर था, मैं कहता हूं आज का जमाना सबसे सुंदर है। कहीं पर भी भूकंप होता है, दुनिया भर के लोग वहां जाकर के सेवा के लिए, उसको बचाने के लिए पहुंच जाते। कहीं पर भी बाढ़ आती है, बाढ़ आ गई, आप फंस गए हैं, कई जगह नहीं देखते हो समाचार में, तो ऊपर वाला विमान लेकर के आता है कि नीचे वाला विमान लेकर के आता है? कौन आता है विमान लेकर के? ए भैया बचाओ 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 कह के ऊपर वाले को मोबाइल लगाते हो कि नीचे वाले को लगाते हो? किसको लगाते हो? उस दुख से बचाने के लिए सब नीचे वाले। आज पूरा विश्व अलग अलग होते हुए भी अलग घर है, सबका अलग परिवार है, अलग देश है, अलग प्रांत है, अलग जिला है, इसके बावजूद भी आज पूरी दुनिया एक है। इतने बड़ा मोबाइल है ना, ये पूरी दुनिया इसी में समा गया है, और दो मिनट के अंदर दुनिया के अंदर में क्या हो रहा है आपके पास मैसेज आ जाता है, खबर पड़ जाती है पूरी दुनिया। कहीं पर भी ऐसी दुर्घटना हो जाए, दुश्मन देश में भी दुर्घटना हो जाता है, आदमी वहां सेवा करने के लिए, हेल्प करने के लिए वहां पहुंच जाता है। ये जो प्राकृतिक दुख है उससे बचने का उपाय क्या है? देखो अभी ठंड लग रही है, ठंड लगना आपका दोष नहीं है, वो किसका है? प्रकृति का है। तो कंबल ओढ़ लो, स्वेटर ओढ़ लो, मोजा जूता पहन लो, बढ़िया से कंबल ओढ़ करके आराम से रहो। और आप बढ़िया ठंडी कह के जहां स्नो पड़ रहा है वहां एंजॉय करने जा रहे हो तो आपकी मर्जी, सर्दी जुकाम लग जाएगा उससे तकलीफ होगी, आपकी मर्जी। बहुत गर्मी पड़ रही है, ठीक है पंखा लगा लो, एसी लगा लो, अपने ढंग से रहो। बहुत बरसात हो, इससे बचने के लिए क्या मकान क्यों बनाते हैं? प्रकृति के दुख से बचने के लिए मकान बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया बनाओ, उसमें कोई साहब ने मना ही नहीं किए। मना ही कहां की है? जो आप इकट्ठा करते हैं उसके प्रति चिपक जाते हैं वो, देखिए उसमें हम लोग भी आते हैं, आप भेद से भूल ना जाना, हम लोग भी चिपकते हैं। जो आपने दिया, जो आपने रखा, उसके प्रति यदि हमारा चिपकाव है, लगाव है, तो दुख का कारण ये है। और तीसरा कारण क्या है? भौतिक दुख, भौतिक भूत प्राणियों के द्वारा जो दुख मिलता है उसको साहब ने भौतिक दुख कहा है। भौतिक दुख क्या है? प्राणियों के माध्यम से जो दुख मिलता है, बढ़िया से बैठे हो, मच्छर काट दिया, काटता है ना मच्छर, अरे तो उससे बचने का उपाय खोज लो। शेर भालू को देखिए, कई लोग तो ऐसा ऐसा पालन पोषण करते, कोई शेर को पाला है, कोई कुत्ते को पाला है, अरे घोड़ा को, गधा को, गाय को और पशुओं को, भैंसा को, भैंसी को पालो तो ठीक है, उसे कुछ आप उपयोग कर रहे हैं, किंतु जिसका कोई उपयोग नहीं। मैं तो शहर में रहता हूं, बड़ोदरा में, गाय को कभी एक रोटी नहीं खिलाएगा, किंतु घर में कुत्ता है, घर में बच्चे हैं, उसका कभी चड्डी नहीं पहनाएगा, घर के बच्चे को माता लोगों के ऊपर छोड़ देंगे, कभी उसका नाक साफ नहीं करेंगे, किंतु कुकुर को टट्टी लेके ले जाएंगे, ऐसे पकड़ कर उसको टट्टी कराने ले जाएंगे बाहर, अपना घर छोड़ करके दूसरे के दरवाजे पे जाके टट्टी करा के आ जाएंगे। ये कौन सा संस्कृति है भाई? प्राणियों के, यहां ये कह रहा हूं, प्राणियों के द्वारा जो दुख मिलता है आदमी से, सबसे ज्यादा आदमी आज दुखी है आदमी से, क्यों? बात व्यवहार से, बात गलत है, व्यवहार गलत है। खास यहां थोड़े संक्षेप में मैं कह दूं कि हमारे तीन दुख हैं, दैहिक दुख मतलब रोग संबंधी दुख, दूसरा है
प्राकृतिक दुख जिसको दैविक दुख कहा गया है, और तीसरा है भौतिक दुख प्राणियों के द्वारा। ऐसे आदमी के पास मत बैठो जिसकी संगत में बैठने से आप दुखी दुखी हो जाएं। ऐसे प्राणी को घर में ना रखो जो आपके लिए खतरा पैदा कर दे। सांप है, कुत्ता है, शेर है, भालू है, ये पालने वाली चीज नहीं है, इसको बाहर रखो जो आपको दुखी कर दे। तीसरी बात है, इसी में एक और क्रम आता है, आदि व्याधि और उपाधि। ये सुने हो ना, आदि व्याधि और उपाधि, ये भी तीन तरह के दुख है। पहला दुख क्या बताया था, दैहिक, दैविक और भौतिक। अबे दूसरे ढंग से क्या है, आदि व्याधि और उपाधि। आदि किसको कहते हैं, हमारे पास नहीं है और दूसरे के पास है, इसका दुख। दोनों पास में ये कोई दुख नहीं है, किंतु मेरे पास नहीं उसके पास कैसे हो गया भाई, उसके पास नहीं, मैं पुराना महात्मा हूं, मुझे महंत नहीं बनाए और कल के बच्चे को महंत बना दिए, उसका दुख। ये जो मैं पुराना नेता हूं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाए और कल का एमएलए बना उसको मुख्यमंत्री मंत्री बना दिया गया, कई जगह ऐसे नहीं देखते। चार भाई हैं और किसी को बहु लोग हैं, देखो छोटी बहू को सारी उनको दे दिए, सत्ता सौंप दिए, हम लोग पुराने कोई नहीं कर, मतलब दूसरे के पास हो और मेरे पास नहीं है, ये जो मन में जो जलन पैदा होती है इसको कहते हैं आदि दुख, ना होने का दुख, ना होने का दुख। और व्याधि की आदि और उपाधि किसको कहते हैं, होते हुए दुख, होने का दुख है मेरे पास, उसका दुख हो गया। लड़का तो है किंतु बिगड़ैल है, वहां शराबी हो गया है, एक के पास नहीं है इसलिए दुखी, वो कौन सा दुख आएगा, आदि दुख। और जो होते हुए भी दुखी है उसका कौन सा दुख आ गया, होते हुए भी वो जाएगा उपाधि, उपाधि का दुख। घर तो है किंतु अब घर को संभालने वाला नहीं है, जमीन तो है किंतु जमीन की खेती करने वाला नहीं है, व्यापार तो है किंतु उसका देखने वाला नहीं है। होते हुए जो दुख मिलता है उसको कहते हैं उपाधि। बेकार के ऊपर का जो दुख आ जाता है वो है। और तीसरा है व्याधि। देखिए व्याधि में उसमें भी कहा था, किसमें, दैहिक दैविक में भी व्याधि का, किंतु यहां जो व्याधि शब्द है मन के द्वारा होने वाला रोग उसको व्याधि कहते हैं। ये तीनों वही है, आदि व्याधि और उपाधि, तीनों मन के ही रोग हैं। उनके पास है मेरे पास नहीं है, ये जो सोच सोच के दुख होते हैं आदि दुख, उपाधि दुख, हैते हुए भी उनका झंझट जो ले रहे हैं, माथे का भार ले रहे हैं, उपाधि है। और व्याधि क्या है, मन में सोच सोच करके, गलत चिंतन कर करके, निगेटिव चिंतन कर करके जो हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को टेंशन हो रहा है, बहुत से रोग ऐसे, डॉक्टर लोग कहते हैं कि 90% रोग आदमी के मन के सोच के द्वारा होता है, मन के सोच के द्वारा। ये सब क्या है, ये है व्याधि। अब इन छह दुखों से बचने का रास्ता क्या है, फिर कबीर साहब ने कहा है ना, ऐ जियरा तैं अपने दुख ही संहार, ऐ जीव तुम अपने आप को दुखों से बचा लो। इस छह दुख का फिर से याद करा देता हूं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीसरा क्या बताया, आदि व्याधि और उपाधि। अब इससे बचने का उपाय क्या है, समाधि, मन को सम कर लो। समाधि मतलब आंखें मूंद करके बैठ जाना, इतना ही नहीं,
चार दिन शिविर में बैठ जाना इतना ही समाधि नहीं, श्रम आदि अपने आप को सम कर लो, चिंतन को सम कर लो, व्यवहार को सम करो, सब चीज में आप समता धारण कर लो, सहज रूप से जीने लग जाओ। संतों सहज समाधि भली, आप सहजता से जीने लग जाएंगे, हर तरह विवेक से जीने लग जाएंगे, तो आपका इस जीवन में दुख 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 जो कबीर साहब ने कहा है वो दुख से बच जाओगे। और उसका बचने का उपाय क्या है? अंदर में बैठा हुआ जो राम तत्व है, चेतन तत्व है, अंतर ज्योति है, उसको जब परखने लगोगे तभी दुख से निवृत्ति होगी। अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूं और श्री साहिब जी विराजमान हैं, आपके ही अमृत वचन श्रवण करेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। हमारे बीच उपस्थित हैं भक्त समुदाय भी, संत समुदाय भी, अभी जो विचार श्रवण किए, कल्याणकारी विचार बड़ौदा आश्रम से आए हुए श्री शीलेंद्र साहेब हैं, उनके गंभीर विचार आप सब श्रवण किए। थोड़ा सा हम सब भक्तों की ओर जाते हैं, हमारे बीच उपस्थित है, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट सुन लें, भक्तों का भी चिंतन, क्या पाया क्या खोया जीवन में। तो हमारे बीच श्री जरौदा से आए हुए रूपदास जी, आप इस अवसर पर कुछ अपना चिंतन सुनाने की कृपा करें। हेलो, बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। परम पूज्य गद्दी आसन साहेब जी, गुजरात साहेब, हमारे सलेन साहेब जी व मंचस्थ संत धर्मानुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम इस सक्रिय आश्रम में उपस्थित हुए हैं। आप सबको 9 वर्ष 2023 की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इसी प्रकार हम सब अपने जीवन को धन्य करने के लिए ही सद्गुरु का शरण लेते हैं, और यह आवश्यक है मनुष्य जीवन में, क्योंकि अन्य तीन खानियों में अंडज पिंडज उखमज, इन तीन खानियों में कोई विवेक विचार नहीं होता। मानव के पास ही ऐसा विवेक और विचार की दो और आँखें हैं, और इसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। मैं धर्मदास साहेब बंस अनुयायी के अंतर्गत में धर्मदास साहेब जी एक
वंश परंपरागत उनके आधार पर चला है। तो धर्मदास साहेब जी हैं वो सदगुरु कबीर साहेब से अपनी अर्जी पेश करते हैं, विनती पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो तो राजा थे, कोई कमी नहीं थी, सभी प्रकार से संपन्न था, सदगृहस्थ थे, फिर भी उन्होंने अर्जी पेश किया। इस अर्जी के आधार पर उनका एक प्रिय सा भजन जो है वो मैं आप सबके सामने सुनाने जा रहा हूँ। साहिब बंदगी साहिब भूलो न हम रिख भरिया हो सतगुरु, भूलो न हम रिख भरिया, भूलो न हम रिख भरिया हो सतगुरु, भूलो न हम रिख भरिया। तुम ही तो हो मोरे आँखों के तारे साहेब, आँखों के तारे, तुम ही तो हो मोरे आँखों के तारे साहेब, आँखों के तारे, भूलो न हमरी कभरिया हो सतगुरु, भूलो न हमरी चाहे, भूलो न हमरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं चाहे, भूले फिरत हैं, राह बाट हम भूले फिरत हैं चाहे, भूले फिरत हैं, पापों की बांधी गठरिया, हाय हाय कह के चरण पड़त हूँ चाहे, हाय हाय कह के चरण पड़त हूँ, तुम्हारी बता दो डगरिया हो सतगुरु, भूलो न हमरी खबरिया, भूलो न हमरी खबरिया हो सतगुरु, भूलो न हमरी आहे, भूलो न हमरी खबरिया। भाव सागर के अगम बहत है साहेब, अगम बहत है, लोभ मोह की उठे लहरिया, लोभ मोह की उठे लहरिया, ले चलो खेवन हार मेरे सतगुरु, ले चलो खेवन हार मेरे सतगुरु, हमरी तो टूटी नवरिया हो साहे, भूलो न हमरी खबरिया, भूलो न हमरी खबरिया हो सतगुरु, भूलो न हमरी खबरिया। तुम ही तो हो मोरे आँखों के तारे साहेब, आँखों के तारे, भूलो न हमरी खबरिया हो सतगुरु, भूलो न हमरी खबरिया सतगुरु, भूलो न हमरी खबरिया।
कभू के सोमू में महल दुहेला हो महल दुहेला कभू के सोमू में महल दुहेला हो महल दुहेला कभू के ऊँची अटरिया रहियो सहाय के है मेरे सतगुरु रहियो सहाय के है मेरे सतगुरु जब मैं सोऊं नींदरिया हो साए भूलो न हमरी खबरिया भूलो न हमरी खबरिया हो सतगुरु भूलो न हमरी खबरिया आहे भूलो न हमरी कबरिया यह तन मैं यह मन मोरे मैली हो गई साहे मैली हो गई यह मन मोरे यह मन मोरे मैली हो गई साहे मैली हो गई जैसे कारी बदरिया ज्ञान के साबुन से धो दे वो सतगुरु ज्ञान के साबुन से धो दे वो सतगुरु मन की मैली चुनरिया हो साहे भूलो न हमरी खबरिया भूलो न हमरी खबरिया हो सतगुरु भूलो न हमरी खबरिया तुम्ही तो हो मोरे आँखों के तारे साहेब आँखों के तारे तुम्ही तो हो मोरे आँखों के तारे साहेब आँखों के तारे भूलो न हमरी खबरिया हो सतगुरु भूलो न हमरी खबरिया साहे भूलो न हमरी खबरिया यह तन मन मोहे बहु दुख दिन साहे बहु दुख दीना यह तन मन मोहे बहु दुख दिन साहे बहु दुख दीना जैसे मारी कटरिया जैसे मारी कटरिया धर्मदास अब विनती करतो साहे धर्मदास अब विनती करतो साहे अर्जी स्वीकारो हमरिया हो सतगुरु भूलो न हमरी खबरिया भूलो न हमरी खबरिया हो साहे भूलो न हमरी खबरिया तुम्ही तो हो मोरे आँखों के तारे साहेब आँखों के तारे तुम्ही तो हो मोरे आँखों के तारे साहेब आँखों के तारे भूलो न हमरी खबरिया हो सतगुरु भूलो न हमरी खबरिया साहे भूलो न हमरी खबरिया बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय पूज्य गुरुदेव की जय साहेब बंदगी साहेब बोलिए सतगुरुदेव की जय। अभी हमारे बीच जरौदा से आए हुए भक्तवर श्री रूपदास जी के विचार सुने भजन एवं विचार। अब हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर श्री मनहरन जी, आप गुल्लू परस्कोल एवं आरंग से आए हैं, आपके हम लोग चिंतन कुछ मिनट सुनेंगे। आपका लगन और पुरुषार्थ अटूट है, आप परस्कोल में भी आते रहे एक कोसरंगी में और नए पर्व मंगल लोड भी गए थे आप, वहाँ का भी विशाल कार्यक्रम आपको देखने और सुनने को मिला। तो इस अवसर पर आप कभी हम सब चिंतन सुने।
बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए सतगुरुदेव की जय साहेब। एक मिनट, ये जो पंपलेट है वह हमारे छत्तीसगढ़ कबीरपंथी साहू समाज, छत्तीसगढ़ कबीरपंथी साहू समाज का यह सम्मेलन 12 से लगातार प्रत्येक वर्ष होता है, और जहाँ जहाँ जिस जिले में भी मांग होती है उस जिले में हो रहा है। मंच से ही बिरोदा नाम के गांव बेमित्रा जिला के अंतर्गत में वहाँ होना निश्चित हुआ है 13, 14 और 15 जनवरी को अभी, जिसमें नवयुवक युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन अन्य समाज में सब करते हैं। हम लोगों ने भी प्रयास किया और काफ़ी सफलता मिल रही है। वहाँ पर लगातार यह कार्यक्रम होने से हम सैकड़ों रुपए खर्च करके इधर उधर गृहस्थ जीवन बचाने के लिए सब ढूंढते हैं बालक बालिका, लेकिन वहाँ पर समाज के अंतर्गत में मिल जाता है और बहुतों का संबंध में जुड़ जाता है। तो आप सबसे निवेदन है कि अधिक अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचें और अपने कबीरपंथ समाज को आगे लाने के लिए उनकी सदस्यता भी ग्रहण वहाँ करें, कम से कम जाकर देखें और समझें। यही विनय के साथ साए बंदगी साए। मंचस्थ श्री गुरुजतन साहेब जी और उपस्थित संतगण एवं मेरे सत्संगी भाई एवं बहनों, जिस प्रकार से इन्होंने सूचना दिए वैसे ही हमारे ग्राम परस्कोल में भी एक त्रिदिवसीय सत्संग ज्ञान यज्ञ हो रहा है, उसमें भी आप पधारने की कोशिश करें और अधिक से अधिक संख्या पर आएं। 23 जनवरी, 24 जनवरी को और 22 जनवरी, ये 3 दिन की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि उस दिन कार्यक्रम है। और 23 जनवरी व 24 जनवरी को रात्रि को 8 बजे से श्रीमती त्रिवेणी साहू कबीर पंडवानी की प्रस्तुति भी है, जिसकी सूचना मैं दिया और आप जरूर आइए। मुझे 5-7 मिनट ही ज़्यादा नहीं बोलना है। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता श्री संत जी बोल रहे थे कि दैविक और भौतिक ताप, तीन ताप से लोग अधिक पीड़ित होते हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा था, वो श्री अभिलाष साहब जी का था। उसमें एक परिभाषा दी गई है कि संत किसे कहते हैं, तो उसमें लिखा था कि संत वही है जो कभी दुखी न हो। देखिए परिभाषा बहुत उचित है, हमारे गुरुदेव जी बोल रहे थे कि यहाँ दैहिक दैविक और भौतिक ताप होते हैं, उसको अज्ञानी लोग उसको तापते रहते हैं, दुखित होते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी और संत लोग कभी दुखी नहीं होते, और जो कभी दुखी नहीं होते वो ही संत होते हैं, चाहे वो गृहस्थ के हो, चाहे किसी भी आश्रम, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई सर्विसधारी हो। इसी पर मैं रामायण रामचरितमानस में भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ उसमें मैं पढ़ा हूँ कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा, यानी राम के राज्य में किसी को इस प्रकार से देह संबंधी भौतिक और दैविक संबंधी किसी प्रकार का दुख उनको नहीं होता था। इसका मतलब ये है कि उस राम राज्य में सभी संत थे, ऐसा मौका सतयुग में आता है हमने सुना है। वैसे ही एक कलयुग है, सतयुग तो नहीं है, यहाँ बहुत सी गलतियाँ होती रहती है और गलतियों के कारण लोग क्षुब्ध होते रहते हैं और दुखी होते हैं। उसे हमें संभालना है और उस संभालने के लिए
ये आज सकरी आश्रम में बार बार हर महीने एक तारीख को सत्संग की रचना आयोजन की जाती है इन्हीं को सुधारने के लिए। तो मैं थोड़ा सा अपना विचार प्रकट करूंगा, ये हमें दुख होता क्यों है। जैसे प्रकृति के बारे में संत जी बोल रहे थे कि प्रकृति एक नियम पर चलती है, लेकिन जिस दिन उसका नियम बदल जाए या किसी भी कारण से नियम में परिवर्तन हो जाए तो वो सबको दुख देने लगता है। जैसे समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र, इतना अथाह है जिसका अथाह कोई आज तक पा नहीं सका, उसमें इतनी पानी भरे होती है वो चाहे तो पूरे संसार को एक साथ खत्म कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो अपना संतुलन बनाए रखती है, अपने नियम पे हमेशा पालन करती है, इसलिए सभी सुखी होती हैं। उसी प्रकार से वायु, पवन, पवन का अगर तूफान आ जाए तो कोई पेड़ पौधा, मकान इत्यादि कुछ भी नहीं बच सकता। और भूकंप साहब जी बताए थे, भूकंप में धरती डोल जाती है, मकान गिर जाते हैं, जो व्यक्ति जहाँ है वहीं गिरने लगता है, खाट में सोए वो लुढ़क जाता है। इस प्रकार से प्रकृति अपना नियम अगर बनाए रखता है तो सभी सुखी होते हैं, और नियम तोड़ देती है तो सब दुखी हो जाते हैं। उसी प्रकार से मैं आज एक संतुलन पर बोलना चाहूँगा। आदमी अगर संतुलित काम करता है, जैसे संतुलित आहार, संतुलित भोजन, संतुलित काम, सब नाप जोख के अगर करे और नियम से चले, वो मुझे विश्वास है कि वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता। जैसे हमारे चिकित्सा शास्त्र में एक बात लिखी हुई है कि सम दोषः सम क्रिया सम आग्निश्च मलः क्रिया प्रसन्न चित्त आत्मेन्द्रिय मनः आरोग्यम अभिधीयते। किसी सज्जन ने पूछा था कि समुचित स्वस्थ कौन है, तो हमारे चिकित्सा साथ आयुर्वेद के चिकित्सा शुश्रुष संहिता के रचने वाले महर्षि लोग लिख दिए हैं आरोग्य प्रकाश में कि सम दोषा, दोष तीन प्रकार के होते हैं, वात पित्त और कफ। ये अगर सम है, समान है, संतुलित है, नियम नहीं तोड़ता, तो दूसरा सम क्रिया, सारी क्रिया हमारा सम है, नियम नहीं तोड़ता। उसी प्रकार से सम अग्निश च मलः क्रिया, मल यानी लैट्रिन पेशाब इत्यादि जाना, और सम अग्नि यानी भूख जठराग्नि जो है वो अगर समान है, संतुलित है, तो किसी भी प्रकार के रोग हमको नहीं हो सकता, और असंतुलित होने पर, बैलेंस बिगड़ जाने पर सारी रोग पैदा होते हैं। सिर्फ यही नहीं, हम सिर्फ शरीर की बात करते हैं, लेकिन उसके आगे हमारे विद्वान महर्षि ने कहा है कि प्रसन्न चित्त आत्मेन्द्रिय मनः, इनके साथ साथ सिर्फ मल जाए, सिर्फ पेशाब ठीक हो, फिर से भूख लगने लगे, तो क्या हम स्वस्थ हैं? हम इस पर भी स्वस्थ नहीं हैं। तब कैसे स्वस्थ होंगे? जब हमारा मन प्रसन्न चित्त आत्मा, आत्मा और चित्त और मन जब एक साथ, और वो सब हमारे जितने में पहले बताए वो सब संतुलित है, तभी हम सुखी हो सकते हैं, तभी हम आरोग्य कहलाएंगे, ऐसा हमारे विद्वानों ने कहा है। संतुलन तोड़ने के बाद सभी लोग दुखी हो जाएंगे और असंत की गिनती में आ जाएंगे। इस पर अभी हम कबीर सत्संग समारोह में आए हैं, तो कबीर संत ने, संत कबीर ने भी यही कहा, संतुलन तोड़ने पर अनेकों झगड़े, अनोखे दुख, अनेकों दुर्घटनाएं होती रहती हैं। संत कबीर जी एक अच्छी बात बोल चुके हैं वाणी के संबंध में, हमें बोलना चाहिए, संतुलित बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, बोलने के पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम बोल रहे हैं तो उसका परिणाम क्या होने वाला है।
ऐसे जो लोग सोच समझकर संतुलन से बोलते हैं वो कभी दुखी नहीं होते और कभी अपमानित भी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बोली तो अनमोल है, बोली तो अनमोल है, जो कोई लोग जाने, जो कोई बोले जान, बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, और ये तराजू तौल कर फिर मुख बाहर आना। संत कबीर जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, उनकी बातों को अगर एक एक बातों को हम अपने चरित्र में लावें और उसको अपनावें तो आपका जीवन पूर्ण सुधार हो जाएगा, तभी हमारे इस सत्संग का पूरा महत्व जान सकते हैं। वाणी अनमोल होता है, उसको बड़ा तौल करके संभल करके सुकन्या जी बाजार में जाते हैं, तराजू से तौल कर आपको सामान दिया जाता है, एक तरफ बाट इत्यादि और एक तरफ वो सामान, जब दोनों बराबर होता है तभी आप उस वस्तु को खरीदते हैं, अन्यथा नहीं खरीदते। यही संतुलन, इसी को हम संतुलन कहते हैं। जरा भी कांटा इधर उधर हुआ तो आप बिगड़े, झगड़ा हुआ इसको हमसे बचना है। तो इसके लिए हमारे सदगुरु संत कबीर ने क्या कहा, हिये तराजू तौल कर, हृदय में उसको तराजू के समान तौल कर, दोनों पलड़ा बराबर करके। हम सोच ले कि हम इसके बोलने के पहले हम क्या बोल रहे हैं, अच्छी तरह सोच ले, तो हिये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन, जो आप सोचे हो उस बोलने के पहले आप ये सोचो कि उसका परिणाम क्या आने वाला है। जैसे आपने किसी को गाली दिया तो उसका परिणाम क्या अच्छा होगा, क्या कभी अच्छा नहीं होगा, और किसी को आपने आदर किया तो उसका परिणाम अच्छा ही होने वाला है। तो इन दोनों में हमें संतुलन बनाना है, संतुलन बनाने के बाद किसी प्रकार से हम दुखित नहीं हो सकते। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और साहब जी अभी बोल रहे थे श्री गुरुचंद साहब जी कि बहुत से और प्रवचनों में कार्यक्रम में मैं उपस्थिति देता हूँ, तो मुझे भी कुछ बात याद आती है, अफसोस होता है मुझे कबीर पारक सिद्धांत के मानने वालों के ऊपर कि श्री अभिलाष साहब जी इलाहाबाद में इतने बड़े संस्था पारक सिद्धांत बना चुके हैं और वो जगह जगह फैल रहा है, और फैलने फैलते फैलते यहाँ तक कि मैं कल गया था मगर लोड भैंस मुंडी के कार्यक्रम में, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं उसका वर्णन अभी फिलहाल नहीं कर सकता क्योंकि समय कम। तो वहाँ इतने लोग आए थे, इतने लोग आए थे, मैं तो देख के भौचक्का रह गया। उसमें मैं गिन रहा था कि यहाँ कितने साधु हैं और कितने साध्वी आए हैं और कितने हमारे भक्तगण आए हैं। यहाँ के भक्त कौन तो ऐसा है कि बिल्कुल नगण्य है। अफसोस है इस बात की। मैं आगे आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, ये बहुत बड़ा आश्रम है, यहाँ छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में नया पारा आश्रम के पश्चात हमारे सकरी आश्रम का ही नंबर आता है, बिल्डिंग तो देखते हुए सबको देखते हुए, लेकिन कैसे आगे बढ़े इनको हम भक्तों को भी बहुत बार सोचना है। हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, अपने साथियों को भी बुला कर लाए और इस रुचि बढ़ाए और श्री अभिलाष साहब जी के पारक सिद्धांत को हम आगे बढ़ाए, तभी हमारा कल्याण हो सकेगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी, कोई कुछ भी कहे, बिना विवेक के कोई जीवन चल ही नहीं सकता। तो वहां मैं देखा कि कम से कम 2,500-3,000 से लेकर 4,000-5,000 लोग भक्त लोग थे, पंडाल पूर्ण हो चुका था। हम मंच पर देख रहे हैं कि हमारे करीब करीब 45 साधु लोग थे, जो गणमान्य बहुत विद्वान, हमको अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिला। अगर हम उसको धारण करें तो हम भी संत हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। उसी प्रकार से करीब करीब 35 साधुई लोग भी आए थे और व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि सब लोग मिल करके, पूरे वहाँ के क्षेत्रवासी मिल करके इतनी अच्छी व्यवस्था हुई, जिसका हम उसका क्या प्रशंसा करें, हमारे पास शब्द नहीं मिल रहा है जी। सर मैं उतना गिना हूँ जिस समय मैं था। अच्छा ठीक ठीक सर।
तो और खुशी की बात हुई, मैं तो जहां बैठा था उस समय जितनी दिखाई दिए उसी पर गिनती। तो मैं चाहता हूं और एक बात बताता हूं, आप लोग कब से जुड़े हैं ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं शुरू से श्री अभिलाष साहब जी और जब ये हमारे निषाद साहब जब इसको ध्यान दिए थे कबीर आश्रम के, कुछ समय से मैं जुड़ा हूँ और प्रतिदिन किसी भी दिन मैं मिस नहीं करता, किसी दिन मैं सब काम छोड़ करके मुझे बहुत रुचि आती है। वैसे ही आप लोगों से भी मैं आशा करता हूँ और ये कोशिश कीजिए कि पारक सिद्धांत को हम अच्छी तरह आगे बढ़ाएं और जन जन में जाकर घर घर में जाकर हमें संतों की बातों को रखना चाहिए। ये अपने जीवन सुधारने के लिए, मैं अपने सुधारने के लिए, आप लोगों का भी जीवन सुधरेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। नहीं बेचारे ना, आप बोल रहे थे। हेलो, परम पूज्यवर साहेब जी, वन्नी संसमाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, मासिक सत्संग का ये एक साल से ज्यादा हो गया और ये दूसरा बार और है, 14 बार हो रहा है। सर्वप्रथम आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में एक नए उजाला हो, एक नए प्रकाश, एक नए जीवन की शुरुआत, अपने जीवन में एक ऐसा ऊर्जा आप पैदा करें कि आपके जीवन में प्रेम का स्थान हो, धैर्य का स्थान हो, उलझे हुए जीवन से हट करके एक सुलझे हुए जीवन की ओर आगे बढ़े, और यही जीवन की सफलता है। दुखी मन से हट करके एक प्रसन्नता मन में, एक प्रसन्नता बने हो, चेहरे में मुस्कान हो, ये जीवन की सफलता है। हम सबको इसीलिए काम करना चाहिए। नया वर्ष क्या होता है? लोग नया वर्ष में जश्न मनाते हैं, कुछ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सब कुछ पुराने हो जाते हैं, सब कुछ पुराना है। नया मकान बनाते हैं वो भी पुराना ही है, वही मिट्टी, वही पत्थर, वही छड़ को रूपांतरित कर दिया जाता है और उसको फिर से नवीनीकरण कर दिया जाता है। कपड़े पहनते हैं वही पुराने रुई का कपड़ा है, लेकिन उसको फिर से पिरोया जाता है, फिर से उसको मशीन में डाला जाता है, कपड़ा बनता है, पुराना है, हर कुछ पुराना है। गाड़ी लेते हैं, गाड़ी में जो कुछ भी लगा है वो नए कुछ पदार्थों का मेल है, उसको रूपांतरित कर दिया गया है, नया तो है ही नहीं कुछ। क्या नया है? कुछ भी नया नहीं है, लेकिन एक है जो नया है। यदि आप जीवन में आज तक जो नहीं सोचे थे, आज तक आपके मन में एक ऐसा विचार नहीं आया था, जो विचार आज आपके अंदर पैदा हो गया और नए ढंग से जीना शुरू कर दिए, ये जीवन की सफलता है, ये जीवन की सफलता है। ये बस नया हो सकता है। आज तक हम द्वेष में जीते थे, आज तक लड़ाई और झगड़ा में जीते थे, आज तक राग और द्वेष में जीते थे, आज तक तेरे और मेरे में जीते थे, लेकिन अब मुझे स्वच्छंद जीवन, अब मुझे प्रेम और आनंद का जीवन, अब मुझे क्लेश रहित और कॉम्प्लेक्स फ्री माइंड जीवन, ये जीने की शुरुआत करते हैं, तब नया हुआ। मैं और भी कह चुका हूँ नए वर्ष में कि इस दुनिया में 135 करोड़ आबादी में कम से कम 10, 15, 20 करोड़ लोग तो नए वर्ष में संकल्प लेते हैं, अब मुझे नए जीवन की शुरुआत करना है। 15, 20 करोड़ या 30 करोड़ लोग नया जीवन की शुरुआत के लिए संकल्प लेते हैं,
लेकिन दुर्भाग्य कहूँ कि सौभाग्य कहूँ कि जो नया वर्ष का संकल्प लेते हैं ना, वो दूसरे दिन का मुख भी नहीं देख पाता है, वो भूल जाते हैं, गए भैंस पानी में। वो सोचा रहता है कि आज से मैं प्रेम से बोलना शुरू करूंगा, आज नए वर्ष संकल्प लेता हूं। उसके सामने कोई आदमी उनकी निंदा और चुगली करता है, उनके जबान में लगाम नहीं रहता है, भूल जाता है, वो इतना गाली गलौज देना शुरू कर देता है। आज से सोचता है मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, पहले ही दिन रात्रि में सोते समय कल लिए रहे होंगे संकल्प, स्टूडेंट लोग बहुत लोग लेते हैं, रात्रि में 4 बजे उठूंगा, और रात्रि में 4 बजे का अलार्म भी बढ़ता है, अलार्म भी बजता है, लेकिन अलार्म बजते ही अलार्म का बटन दबा देता है, तो चुप, मुझे सोने दो, अभी नए दिन का शुरुआत भी नहीं हो पाता है। क्या जीवन सवर जाएगा? जीवन को संवारने के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं चाहिए, मकान बनाने के लिए मेहनत चाहिए, गाड़ी खरीदने के लिए मेहनत चाहिए, मोबाइल खरीदने के लिए मेहनत चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत चाहिए, जीवन को संवारने के लिए, जीवन को संवारने के लिए बस मन का परिवर्तन। सदगुरु कबीर ने कहा है, इसलिए एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। हम सब कुछ साधे, और शायद यहाँ बैठे सब लोग हैं, सबको साधते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, मकान की सफाई, घर की सफाई, कपड़े की सफाई, स्कूली शिक्षा, अन्य चीजों की शिक्षा, हर चीज को करते हैं, और मन को कितना साधते हैं, मन को कितना सोचते हैं, मन को कितना रिफाइंड करते हैं, मन को कितना तराशते हैं। हम जितना मन को नहीं तराशते ना, उतना आगे बढ़ते हैं। हम जीवन को, भविष्य को नहीं देखते हैं हम, और वर्तमान को भी नहीं देखते हैं हम ठीक से, बस ऐसे ही जीते चले जाते हैं। हमारा जीवन सुंदर कैसे होगा? आज नया वर्ष में आप तो शुरुआत कर दे, कम से कम जिस दिन आप शुरुआत करते हैं उसी क्षण से आपकी मुक्ति की ओर आप स्टेप शुरू कर देते हैं, अब आपका प्रारंभ हो जाता है। हमने तो शुरुआत ही नहीं किया है आज तक, सुंदर जीवन का निर्माण कैसे करना है इस पर विचार ही नहीं किए हम। नया क्या है? नया बदलना होगा, विचारों को बदलिए, और विचार बदलने से जीवन बदलता है, विचार बदलने से जीवन बदलता है। आदमियों को जहां संयम, नियम, प्रार्थना ये चीज बताया जाए, वहां लोगों को रस नहीं आता है। लोगों को रस आता है इधर उधर खाने पीने में, घूमने में, लेकिन उससे जीवन नहीं बनता है। कर्म कांड में उसमें मजा आता है, प्रशंसा में, मान में, सम्मान में, इसमें मजा आता है, लेकिन जहां अपनी बात को सुधार, अपने जीवन को सुधारना है, अपने खुद को तराशना है, खुद को ही रिफाइंड करना है, तो वो आदमी को मजा नहीं आता है। लेकिन वो आदमी जिस आदमी को सत्संग के प्रति रुचि बढ़ जाए, अपने जीवन के प्रति रुचि बढ़ जाए, वो आदमी को बाहर मजा नहीं आता है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना, सत्संग के प्रति रुचि, और देखता हूँ आप हमेशा कहीं भी पहुंच जाते हैं, रुचि है, कहीं सत्संग हो रहा है पहुंच जाते हैं, रुचि है, मतलब अपने आप से प्रेम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हम संपत्ति से कितना प्रेम करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, गाड़ी से, मकान से, मोबाइल से, घर वालों से कितना महत्व प्रेम करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज्यादा हम अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, और शायद हम अपने आप से ही ज्यादा वैर करते हैं, इसलिए हम अपने आप को गलत ओर ले जाते हैं, कल वहां प्रोग्राम हुआ, 3 दिवसीय प्रोग्राम था, कुसरंगी के बाद हम लोग वहीं गए। 3 दिवसीय सत्संग प्रोग्राम में पहली बार एक ऐसी सभा, एक विशाल सभा, विशाल पंडाल, और करीब करीब अभी साहब लोग बता रहे इतने लोग, और शायद मैं करेक्ट बता रहा हूँ, मैं अपने हाथों से मैं गिनती किया, सब कुछ किया, तो 135 साधु और संत थे, 135 साधु और संत थे, और सबको जहां तक बन सका जो सहयोग करना चाहिए समाज ने सहयोग किया, उन सबके सहयोग से हुआ, और कई लोगों ने अपने ओर से जितना बन सका किया, और आप लोग भी इतना करते हैं कि इतना कम समय में इतना विकास आप लोगों ने किया है, ये आप सबका विकास है, हम धन तो बढ़ाते हैं, और धन सिर्फ बढ़ाते जाए, और धर्मार्थ में हम धन न लगाए, परमार्थ में धन न लगाए, तो हमको खालीपन लगेगा,
इसलिए कभी कभी एक गरीब आदमी है उनका सहयोग करिए, कभी किसी के पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दे दीजिए, कभी एक बच्चा है जो फीस नहीं पटा पा रहा है, स्कूल में नहीं जा पा रहा है, उनको आप सहयोग कर दीजिए। एक आदमी है जो इलाज नहीं करा पा रहा है, उनको सहयोग कर दीजिए। एक आश्रम है जहाँ हजारों लोगों की सेवा होती है, जहाँ की संपत्ति परिवार में नहीं जाता है, वैसे लोगों को सहयोग करिए। और ऐसे साधु संतों से भी बच करके रहिए जिनकी संपत्ति परिवार बस में जाता है, ऐसे महंतों से भी बच करके रहिए जिनकी संपत्ति सिर्फ परिवार पोषण के लिए है। मैं समझता हूँ उन लोगों को देना ज्यादा सार्थक नहीं समझता मैं, और किसी को बुरा लग रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं महत्व नहीं देता उसको, क्योंकि एक सिर्फ परिवार को चला रहे हैं और आप ऐसे जगह देते हैं जहां स्कूलों में, अनाथालय में, वृद्धाश्रमों में, आश्रमों में सहयोग करते हैं, वो पूरे समाज के लिए होता है। और वहां भी वहां के मेंबर लोग कैसे हैं ये भी प्रभाव पड़ता है कि वो लोग कैसे अपने सिर्फ, बहुत से लोग मंच में बैठ जाते हैं, बहुत से लोग मंच में बैठते हैं, वहां भी गए थे, बहुत से लोग मंच में बैठे थे, क्या करते हैं, कुछ पैसा मिल जाता है, परिवार मिले जाते हैं, उनका भरण पोषण होता है। उन लोगों को चाहिए कि मंच में ना बैठें, ताकि कोई ना बोल पाए ऐसे लोगों को। और आप लोग कार्यक्रम कराने वालों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग कहीं भी प्रोग्राम कराते हैं तो सबको अपने स्थान बताइए, सबको व्यवस्था दीजिए। अपनी बात पर आए नए वर्ष पर, इसलिए अच्छे ढंग से कभी मैं बीच बीच में कहा करता हूं, इसलिए हम उन चीजों को भूल जाते हैं, उन चीजों को याद करने के लिए ही संत गुरुजनों के बीच में जाना चाहिए, परिवार के बीच में एक माहौल बनाना चाहिए, कभी ज्ञान चर्चा करना चाहिए। परिवार के बीच में 15 ही लोग हैं, 10 ही लोग हैं, बैठ जाए, पापा से पूछे, पापा जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन को कैसे संवारना चाहिए। अगर वो खुद टेढ़ा जीवन जीता होगा ना तो नहीं बोल पाएगा, और अच्छा जीवन जीता होगा तो कहेगा बेटा जीवन को ऐसे जीना चाहिए। और मैं खुद गलती करता हूँ, अब मैं भी ठीक ठीक से चलने का प्रयास, उनको एक चोट लगेगी, मेरे ही बच्चे मेरे से प्रश्न कर रहे हैं जीवन को कैसे संवारना है और मैं ही गलत रास्ते पर चल रहा हूँ, नहीं अब मुझे जीवन को संवारना होगा, अब मुझे जीवन को एक नए मार्ग देना होगा। और आप अपने बच्चे को सही दिशा पर ले जाए, बच्चों को चाहिए कि ऐसा जीवन जिए, ऐसे माँ बाप का सम्मान करे, दादी दादा का ऐसा सम्मान करे कि अब आपके बच्चे, आपके माँ बाप आप पर गर्व करे, आपके माँ बाप आप पर गर्व करे। सर झुकाने वाला काम नहीं, आप बहुत बड़े अफसर नहीं बन पाते, बहुत पैसा नहीं कमाते, ये बच्चे माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं, अच्छे माँ बाप नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे अफसर बस बने, पैसा बस कमाए, बल्कि माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे इंसान बने, जो मेरे माता पिता का, मेरे भाइयों का, मेरे पड़ोसियों का, मेरे अतिथियों का, सबका सम्मान कर सके और सुंदर जीवन का निर्माण करे। बस माँ बाप के अंदर एक आरजू है, बस इतना ही आरजू होती है। इसलिए जीवन को, नए जीवन की शुरुआत, सुंदर ढंग से जीवन को बनाएं आप, कैसे जीवन को आप संवारना है आपके हाथों में, आप जीवन के निर्माता है, आपके जीवन को कोई नहीं बनाएंगे, न बुद्ध आएंगे, न कबीर आएंगे, न ईसा आएंगे, न मोहम्मद आएंगे, न राम आएंगे, न कृष्ण आएंगे, न ही मोदी आएंगे, न ही भूपेश बघेल आएंगे। जीवन को खुद को संवारना है आपको, खुद को संवारना है, भ्रांतियों से हटे भ्रांति। और मैं अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे एक जगह, लगभग 15 दिन हो रहा है, अच्छे कबीरपंथी परिवार है, यहाँ धागा वहां धागा, यहाँ ताबीज, क्या ये नाटक है, समझ नहीं आता है, कबीरपंथी है जहाँ कबीर उन बातों को खंडन करते हैं, कुछ नहीं होता इससे। अपने आप पर रहो, संत गुरुजनों को मानो, महापुरुषों को मानो, ये चीज कहते हैं। और एक साधारण से बिल्ली काट देती है रास्ता, उसमें रोक भी जाते हैं। मैं आज तक इतनी यात्रा किए, हम लोग कभी नहीं रुकते हैं, हम तो जो होना रहेगा वो होगा, सावधानी बस चाहिए, सावधानी ही साधना है। भ्रांतियों से हटे, आप कितना भी ताबीज बांध ले, कितना ही धागा बांध ले, कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ कहीं मंदिर है, मस्जिद है, कहीं जाते हैं, सिस्टम है, शिष्टाचार है, किसी का अपमान करना शिष्टाचार नहीं है। मंदिर में है, हाथ जोड़ लिए, बुरा नहीं है, मंदिर में है, सब मूर्ति का मूर्ति है, वहां प्रणाम कर रहे हैं, आप भी कर ले, बुरा नहीं है, ये शिष्टाचार है, ये बुरा नहीं है। समाज में जीना है तो समाज के कुछ नियमों को फॉलो करना होता है। इसलिए आपके घर में, आपके घर को खुद को मंदिर बनाइए। नए वर्ष में शुरुआत करिए आप लोग,
अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने घर के सदस्यों को देवी देवता मनाइए, देवी देवता समझ करके उनकी आराधना करिए, उनकी पूजा करिए, माँ बाप की पूजा करिए, यही तो जीवन की सफलता है। 5 से 6 मंजिल हो जाए ये जीवन की सफलता, ये जीवन की सफलता, ये संपत्ति की सफलता है, ये मकान की सफलता है, गाड़ी हो गई गाड़ी की सफलता है, हमारी सफलता नहीं। जिस दिन गाड़ी हटा दिए आपसे बात नहीं करेंगे लोग, अरे उनके पास गाड़ी नहीं क्यों जाएंगे। पद की सफलता क्या है, आप पद में रहते हैं तब तक लोग सम्मान करते हैं, और जिस दिन आप पद से हट जाते हैं पर भी सम्मान करते हैं आपका, मतलब वो आपकी सफलता है, वो आपकी सफलता है। और पद से हटते ही लोग सम्मान करना भूल जाते हैं ना, मतलब वो पद की सफलता थी, हमारी सफलता नहीं है। इसलिए हम जीवन को संवारे, नए वर्ष में कुछ संकल्प ले, जीवन में कुछ निर्माण करे, प्रेम से जीना, प्रेम ही जीवन की सफलता है। आपस का प्रेम, एक दूसरे को सम्मान, माँ बाप को सम्मान, अतिथि को सम्मान, जीवन को इस ओर ले जाए कि खुद को महसूस हो आज से मैं, आज नया वर्ष में 1 तारीख से मैं जीवन को नई ओर ले जा रहा हूँ, नई ओर ले जा रहा हूँ। कितने लोग ले जाएंगे बताएंगे? बहुत लोग, धन्यवाद। एक क्षण, बहुत लोग ले जाने का प्रयास करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। इसके लिए क्रम बताऊं, अपने मोबाइल में अलार्म भर लीजिए, रात्रि में 10 बजे से 6 बजे के बीच में अलार्म मत भजिए, 6 बजे से हर घंटा में आपके मोबाइल में अलार्म बजना चाहिए। टीटी 2 बार अलार्म बजेगा, 60 अलार्म दीजिएगा, तब तब आप अपने मन को देखिए, मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। आपको कम से कम 18 बार मन को देखने के लिए अलार्म भर लीजिए आप, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या करना चाहिए था। मुझे पढ़ाई करना चाहिए था, मैं फिल्म देख रहा हूँ। मुझे अभी भोजन का टाइम है, मैं क्या कर रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ। मुझे प्रेम से बात करना चाहिए था, मैं लड़ाई कर रहा हूँ। आप लड़ाई कर रहे हैं और सही आदमी है कहीं आप? किसी से लड़ाई हो गई, देरान से, जेठान से, सास से, बहू से, पड़ोसी से लड़ाई हो गई और कहीं अलार्म बज गया, आप सही आदमी है ना, तो एकदम साइलेंट हो जाएंगे, नहीं गड़बड़ हो रहा है, मुझे सावधान होना चाहिए। 18 बार आप अलार्म भर लीजिए, फिर कम करते जाइए। आपकी स्थिति एक दिन ऐसी हो जाएगी कि अब अलार्म की जरूरत नहीं है, खुद आपका जीवन ही अलार्म हो गया है। आपका जीवन कैसे अलार्म हो गया, जब आप अच्छे रहनी में रहना शुरू कर दिए, अच्छा जीवन शुरू कर दिए ना, तो आप सबके लिए अलार्म बन गए। आप जिधर भी जाएंगे, जिन लोगों से भी मिलेंगे, भैया आ रहे हैं सावधान हो जाओ, लोग कहेंगे पापा आ रहे हैं सावधान हो जाओ। आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि खुद आप अलार्म बन जाएंगे, सबके लिए अलार्म बन जाएंगे। क्या सोचते हैं, कितना सरल है, कितना सरल। आपने अपने जीवन को बनाने के लिए एक मोबाइल में अलार्म भरा, अब मोबाइल के अलार्म भी हट गया, और जिधर भी जाते हैं आप लोग, जिन लोगों से भी मिलते हैं ना, आप खुद अलार्म बन जाते हैं। गुरुजी चलते थे, गुरुदेव जी, सतगुरु अभिलाष साहेब जी, तो लोग एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते थे, सावधान हो जाते थे, गुरुदेव जी आ रहे हैं। कोई कहते थे, गुरुदेव जी कहते थे मैं आ रहा हूँ सावधान हो जाओ, वो खुद अलार्म बन गए थे, पूरे समाज के लिए अलार्म घड़ी हो गया था कि लोग उनको देखते ही सावधान हो जाते थे। आप भी वैसे कर सकते हैं। कहीं आपस में बुढ़िया बुढ़िया लोग निंदा और चुगली कर रहे हैं, आप 4-6 बार अपने सासू माँ को कह देते हैं, देखो आपस में बैठते हो तो निंदा चुगली मत किया करो। तो जब जब आप उधर से आगे गुजरेंगे ना, और निंदा चुगली बुढ़िया बुढ़िया कर रही है, वो आवा थे बनकर बंद हो जाएगा, बंद। आप जीवन को संवारिए, कहीं आप अच्छे आदमी हो जाए, अच्छे आदमी हो गए और आपके बच्चे, आप 2-4 बार समझाए, उसके बाद आपके बच्चे गलती करते रहेंगे, उधर से कहीं गुजर जाएंगे, बच्चे एकदम सावधान हो जाएंगे। बच्चे के हाथ में कहीं सिगरेट है, कहीं तंबाकू है, वो बच्चे के हाथ से छूट जाएगा, बिना छोड़े फेंक देगा, वो एकदम फेंक देगा, वो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे 4-6 बार होगा, जीवन कितना संवर जाएगा, कितना साधारण है जीवन को संवारने के लिए। नए वर्ष में आप यही करिए, आप यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीते हैं, मन को देखना है बस, मुझे प्रेम से बोलना है, जीवन को संवारना है मुझे, यही जीवन की सफलता है। और यही नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सबको। अब कुछ देर विचार रखने के लिए पूज्य संत श्री शिवेंद्र साहब जी से निवेदन है कि अपने विचारों से हम सबको, हाँ एक और सूचना है, अभी सत्संग के बाद में भोजन प्रसाद होगा, भोजन प्रसाद के बाद में यहाँ आश्रम के मेंबर है, आश्रम के मेंबर जो भी बनना चाहे बन सकते हैं। आश्रम की, ये आश्रम का मेंबर का मतलब क्या होता है, आप सब देते हैं उसी से आश्रम चलता है, लेकिन कभी खुदन खास्ता
हम है यहाँ और हमारे जैसे और लोग भी आएंगे, कभी मन में कभी गड़बड़ाहट हुआ तो इस क्या होता है, इसके लिए संस्था को रजिस्टर्ड किया जाता है। रजिस्टर्ड का मतलब होता है ये संस्था सरकार के संरक्षण में होता है, सरकार सिर्फ देख रेख करती है कि इसका सही ढंग से चला रहे कि नहीं। और जिस दिन हम गलत करते हैं उस दिन आश्रम के जो मेंबर होते हैं वो हमको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और अपने हिसाब से अगर ज़्यादा संख्या में वो लोग होते हैं सही दिशा में ले जाने वाले तो अपने हिसाब से आश्रम को सही ओर ले जा सकते हैं। इसलिए आश्रम को ट्रस्ट किया जाता है, आश्रम के सदस्य बनाया जाता है और एक सूचना दिया जाता है। कभी कई आश्रमों में लड़ाई होती है, गलत लोग प्रवेश कर जाते हैं तो लड़ाइयाँ होती है, तो वही सदस्य लोग बचाते हैं उस आश्रम को, नहीं तो लोग बेच खाने के लिए तैयार हैं। आज भी इस दुनिया में गलत लोगों की कमी नहीं है, इसलिए इस संस्था को, हालांकि आप सब ने सहयोग किया, साहब को देख करके सहयोग किए और साहब अपने बल, आप सबके सहयोग से अपने बलबूती पर इतना उठाया, आप लोग कुछ नहीं कहा क्योंकि सही ओर से चल रहा है। कहीं साहब के बाद में कोई गलत आदमी आ गए और कुछ गलत किए तो आश्रम के जो आप मेंबर बने हैं ना वही लोग इस आश्रम को सुरक्षित रखते हैं, और सब जगह यही होता है। इसलिए भोजन के बाद में आप सब लोग रुक सकते हैं, लेकिन जो आश्रम के खास मेंबर है, जो आजीवन सदस्य और संरक्षक सदस्य बने हैं, 5,000 दे करके संरक्षक सदस्य बने हैं और 1,000 दे करके आजीवन सदस्य बने हैं, और जो बनना चाहे बन सकते हैं, वो भी एक प्रकार के दान है, वो पैसा कहीं जाता नहीं है, आश्रम में ही रहता है, उसी से सब कुछ होता है और अन्य दान से कहीं जाता नहीं है। उन सदस्यों से निवेदन है जो सदस्य बने हैं और नहीं बनना चाहते हो बन सकते हैं, और जो बन चुके हैं सदस्य उन सबसे निवेदन है, और जो सदस्य नहीं है उन सबसे भी निवेदन है कि भोजन के बाद में कुछ चर्चाएं होगी आश्रम के नियमावली के तहत और कार्यक्रम के पूर्व तैयारी के तहत, इसलिए आप लोग जरूर टाइम देंगे, कुछ चर्चाएं होगी भोजन के बाद में, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, आप लोगों से और टाइम लेंगे, 1/2 घंटा 20 मिनट जो भी लगेगा, उसके बाद ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सब लोग बैठ सकते हैं उसमें रुकना चाहे तो। अब श्री शिवेन साहब से विचार सुन। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, सबसे पहली बात आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब नए वर्ष के इस अवसर पर कबीर आश्रम के प्रांगण पर उपस्थित हुए हैं, संतों के सुंदर विचार श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को बनाने और सुधारने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही लगन, ऐसे ही श्रद्धा ज्ञान के प्रति, संतों के प्रति अगर बनी रहे तो निश्चित ही हमारा भी जीवन वैसे बन सकता है जैसे हम बनाना चाहते हैं, वो हमें मिल सकता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? शांति प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमें संतों के पास जाकर के मिल सकता है। हम अपने आप का बोध प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी मिल सकता है, बशर्ते हम लगे रहें, सत्संग के प्रति रुचि बनाए रहें, संतों के पास जाते रहें, तो निश्चित ही जो हमारा उद्देश्य है वो सफल हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। तो सद्गुरु कबीर ने एक साखी में कहा, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। सद्गुरु कबीर एक साखी में कहते हैं कि हृदय के भीतर, हम सबके हृदय में एक आरसी, एक दर्पण है,
उस दर्पण में हम अपने रूप निहार सकते हैं, जैसे बाहर दर्पण होता है उस दर्पण में क्या करते हैं, हम जा करके हम अपने चेहरे को देखते हैं कि कहीं चेहरे में कहीं धूल तो नहीं जमा है, कहीं दाग तो नहीं है, कहीं पर कुछ लगा तो नहीं है, ये हम देखते हैं। लेकिन यदि उसी दर्पण में कहीं काई लगा हो, धूल जमा हो, तो क्या हम उस दर्पण में अपने चेहरे को साफ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही ये दर्पण क्या है, हमारा मन है, हमारे हृदय के भीतर है, जो कि दर्पण क्या है, मन। और यदि हमारा मन ही मैला हो, मन ही हमारा गंदा हो, तो क्या हम अपने आप को देख पाएंगे? सबसे पहली शर्त यह है कि यदि हम अपने आप को देखना चाहें, अपने अंदर निहारना चाहें, तो सबसे पहली वह शर्त है कि हम अपने मन को साफ करें, अपने मन को निर्मल बनाएं। मन में जो गंदगियां है, मन में जो भ्रांतियां है, उन भ्रांतियों को दूर करें, तभी तो हम अपने आप का बोध प्राप्त कर पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे। दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाए? सतगुरु कबीर अन्य भी जो भजन में पद है उनमें कहा है कि दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाए। दर्पण में यदि काई लगी हो, यदि मन में मैल लगा हो, तो फिर हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख तो तभी देखो जब दिल की दुविधा, जो हमारे मन में संदेह है, जो हमारे मन में किसी के प्रति संदेह है, कहीं नहीं कहीं अपने आप के प्रति संदेह है, कहीं ईश्वर परमात्मा ब्रह्म जो हमें कर्मों को फल देने वाला बैठा हुआ है, ये क्या संदेह है? आदमी स्वयं कर्म अपना करता है, स्वयं अपने कर्मों का विधाता है, और स्वयं उन्हीं कर्मों के आधार पर वो फल को प्राप्त कर पाता है। हम यदि किसी की निंदा करें, तो सामने वाले से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं कि वो हमारी प्रशंसा करेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता है। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो परिणाम में हमें अच्छा फल मिलना ही है, ये तय है। लेकिन हम क्या करते हैं, पूजा के बल पे, कर्मकांड के बल पे, आराधना के बल पे हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अपने मन के मैल को धोना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि ग्रंथों में भी भ्रांतियां फैली हुई है, ग्रंथों में भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बेतुकी बातें होती है, उनको भी हम मान लेते हैं। तो ऐसी जो भ्रांतियां जो फैली हुई है, उन भ्रांतियों से हमें दूर हटना पड़ेगा। क्योंकि ग्रंथों में भी रोचक, भयानक और यथार्थ, इन तीन प्रकार की वाणी होती है वहाँ। लेकिन हमें ऐसे पारखी संतों के पास जाकर के, ऐसे विचारवान संतों के पास जाकर के हमें ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमें परख मिले वहाँ से, ताकि हमें समझ मिले कि उन ग्रंथों को पढ़कर कि आखिर सार बात है क्या, यथार्थ बात है क्या, इसका हमें ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि रोचक कहानी सुनने में, रोचक बातों को सुनने में आदमी को बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न लगता है। रोचक अब पुराणों में बात आती है, काव्यों में बात आती है, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वैसे घटना जीवन में नहीं घटता है, वैसे घटना वास्तविक में नहीं घटता है। लेकिन लगता क्या है कि ये होता होगा, क्यों कि पहले होता रहा होगा, ये हमारे मन में क्या होता है, संदेह हो जाता है। सतयुग में ऐसे होता रहा है, कलयुग में ऐसा होता रहा होगा, द्वापर में ऐसे ही हुआ, कलयुग में आज क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे संदेह भरे ग्रंथों को पढ़कर हम अपने मन में संदेह पैदा ना करें, ऐसे ग्रंथों को पढ़कर हम भ्रांति में ना पड़े। रोचक और भयानक होता है डरावनी बातें, कि भूत होता है, चुड़ैल होता है, शकुन अपशकुन होता है, ये सारे ग्रंथों में लिख दिया गया है। इन भ्रांतियों को भी
दूर करने का हम प्रयास करें, इनसे कुछ होता है। अभी सुन रहे थे ना, बिल्ली काटने से ऐसे हो जाता है। बिल्ली काटने से नहीं होता है, बल्कि हमारे कर्म हम यदि नहीं करेंगे तो जरूर रुक जाएंगे हम। इसीलिए आवश्यकता है कि यथार्थ बोध हो, ऐसे संतों के पास जाए जो हमें सही ज्ञान दे, यथार्थ बोध दे, सार असार का निर्णय हमें हमारे हमको समझाए, ऐसे संतों के पास जाए, तभी तो हमें बोध होगा। इसलिए कहते हैं कि संतों के पास जाओ, ज्ञानी पुरुषों के पास जाओ। तो ग्रंथों में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती है, बहुत सारी यथार्थ बातें भी होती है, रोचक भयानक यथार्थ तीनों वाणियां होती है, लेकिन हमें सार को ग्रहण करना है, सार बातें को जानना है। जैसे सदगुरु कबीर ने साखी में कहा कि हृदय भीतर आरसी, मुख देखा नहीं जाए। मुख जब अपने आप का बोध यदि प्राप्त करना है, अपने आप को प्राप्त करना है, तो हम पहले अपने मन को निर्मल बना, ये यथार्थ बात है। यदि हम किसी पात्र में कोई अन्य चीज को भरना चाहे तो उसके पहले वो पात्र खाली होना चाहिए, तभी तो हम उस चीज में, उस पात्र में हम उस चीज को भर सकते हैं। और पहले से यदि वो पात्र भरा हो और यदि हम उसमें कोई सामान रखना चाहे, कोई चीज भरना चाहे, तो संभव नहीं है। ऐसे ही हमारे मन में यदि कहीं राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, कला है, कल्पना है, तो फिर हम अच्छे विचार को कहाँ ग्रहण कर पाएंगे, अच्छे विचार को कहाँ संजो कर रख पाएंगे। इसीलिए आवश्यकता कि मन में अच्छे विचार को ग्रहण करें, मन में अच्छे विचारों को लाएं, जिससे हमारे मन की शांति बनी रहे। आत्मबोध तभी होगा जब आपका मन शांत होगा। साहब जी संत शीलेंद्र साहब भी कह रहे थे समाधि के विषय में कि समाधि केवल एक सप्ताह, 8 दिन 15 दिन 10 दिन आप ध्यान शिविर में जाए और ध्यान में लगा करके आप अपने आप का बोध प्राप्त कर, संभव नहीं है। उसके लिए आपको कंटिन्यू लगातार आपको करना पड़ेगा, आपके अपने आप अपने मन को देखना पड़ेगा, अपने आप का बोध प्राप्त करना पड़ेगा, तभी होगा। जब हम अपने ही मन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने ही मन को नहीं देख पाएंगे, तो फिर साक्षात्कार कैसे कर पाएंगे। इसीलिए आवश्यकता है संतों के पास जाए, उन ज्ञानी संतों के पास जाए, ऐसे संतों के पास जाए जिन्होंने आत्मबोध प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने समाधि हो चुके हैं, जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है। ऐसे संतों के पास यदि हम जा करके सीखें, ऐसे संतों के ज्ञान की बातों को सुने, तो निश्चित ही हम भी वैसे ज्ञानी और समाधिस्थ हो सकते हैं। क्योंकि जब हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई भी पद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो उस विषय में निष्णात होते हैं। ऐसे ही यदि हम आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे संत के पास जाए, ऐसे गुरुजनों के पास जाए जो आत्मबोध से लबालब हो, वही तो हमें आत्मबोध दे सकता है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है नए वर्ष के उपलक्ष्य में कि आप सब इसी प्रकार संतों के प्रति, सत्संग के प्रति श्रद्धा बनाए रखें, और यदि निरंतर आत्मचिंतन करते रहे तो निश्चित ही वो लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप इस जीवन को प्राप्त किए हुए हैं। शांति को प्राप्त करते हैं, अपने आप का बोध प्राप्त करते हैं, आत्म स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आगे साहेब जी विराजमान हैं, आपसे निवेदन है कि आप एक भजन भक्तराज गढ़चिरौली से पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन है कि आप इस अवसर पर एक भजन प्रस्तुत करें। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी,
मुद मंगल में सन समाज धर्म अनुरागी मेरे भाइयों माता बहनों एवं होनहार प्यारे प्यारे बच्चों, आज का यह समय अत्यंत खुशी का समय है। आज नया वर्ष का शुभ आरंभ हो रहा है। इसके उपलक्ष्य में और ये नियमित हर माह के एक तारीख के जो संत और भक्त इकट्ठा होते हैं उन्हीं के ये पावन पर्व है। गुरुदेव मुझे भी एक भजन का आदेश दिया है। परम पूज्य गुरुदेव के आज्ञा पालन के लिए एक भजन प्रस्तुत करूँगा। सज्जनों, यह जिंदगी धीरे धीरे कैसे खसकता जा रहा है। सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी इन्हीं को हम लोगों को दर्शाते हुए अपने मुखार बिंद से भजन के माध्यम से कहते हैं, जन्म हुआ शैशवपन बीता बालकपन है आया, तरुणाई यौवन के पथ से वृद्धपने की छाया। जन्म हुआ शैशवपन बीता बालकपन है आया, तरुणाई यौवन के पथ से वृद्धपने की छाया। व्यक्ति वस्तु अनगिनत मिले जिनका लेखा है दुष्कर, आए गए मिले बिछुड़े चंचल समान सरिता सर। कौन बता सकता है कब तक टिकता है यह चोला, दिखते दिखते मिट जाते हैं माटी की सी पोला। अहंकार तो इतना है कल्पांत रहेंगे जीते, कहाँ होश वो गया सिकंदर अल्पकाल में रीते। निर्धनता में बिलबिल करता धन पाते इतराते, मध्यमांस मैथुन ममता में पतन पंथ अपनाते। कर विचार देखो तो लगता जगत एक मधुशाला, जहाँ एक दो नहीं अनेकों पी पी के मतवाला। किसके मन में कब क्या होता कब क्या कर जाता है, धुंध भरे उर के अंबर में पता नहीं पाता है। अनिच्छित मानव खिसता है असुर भावों में, बंध कर बहता उसी दिशा में वचनों वर्ताओं में। इस प्रवाह धारा से बचकर बोध शांति पा जाना, यही एक उद्देश्य मनुज का चिर विश्रांति समाना। समय बहुत है यदि अब भी समय बहुत है यदि अब भी हम साधन में लग जावें, निसंदेह मुक्त जीवन हो परम शांति को पावे, परम शांति को पावे, परम शांति को पावे। बोलिए सन सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। विश्व के समस्त संत महात्माओं की, परम पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहेब की, मंचासीन संतों की जय।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुपरतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम। बोलिए सतगुरुदेव की जय, सतगुरु कबीर साहिब की जय। आज का जो दिन है, संकल्प लेने का दिन है। जीवन निरंतर मौत की ओर जा रही है, रुकती नहीं है, अचानक होना है, अचानक। लेकिन हम संकल्प ले करके अच्छे जीवन जीने की ही संकल्प ले। क्या तुम्हें पता है, शरीर छूटेगा तो आत्मा कहाँ जाएगा? जैसे आशा वैसे बासा, आशा उसी प्रकार से बासा भी होता है। ध्यान रखिए हम सब। एक उदाहरण के माध्यम से हम जाने, यहां पर कुछ लोग आते हैं, रोज के आते हैं, दो चार लोग। उसमें से एक सज्जन ने पूछा, शरीर छूटेगा जीव कहां जाएगा? मैंने कहा, जैसे आप अपने घर से छोड़ करके निकले, कोई आदमी आपके घर में आपसे मिलने के लिए गए, पूछा कहाँ गया है घर मालिक, तो लोग कहेंगे उसके आशा कहाँ है, बासा कहाँ है? जहाँ आशा वहाँ बासा। वो सत्संगी है, सत्संग में गया होगा, आश्रम में, यही बताएगा। कोई आदमी है दारू पीने वाला है, उससे मिलने के लिए कोई गया होगा, पूछेगा कहाँ गए घर मालिक, वो दरवा है, कहीं पी करके बैठा होगा, जुमा होगा, दरवे लोगों के साथ में है, भट्टी की तरफ गया। कोई गांजा पीता है तो कहाँ गया है, गंजेड़ियों पास ही मिलेगा और दूसरे जगह। फिर पूछेगा कोई दूसरे चौथा आदमी को कहाँ गया है, उनके घर में पूछ रहा है, लोग कहेगा वो जुआड़ी है, पक्का जुआड़ी है। गांव में अमुक जगह ताश होता है, जुआ होता है, वहीं बैठा होगा। आदमी को खोजने की आवश्यकता नहीं है, जहां आशा वहां बासा। वैसे ही हमारी जो आत्मा है, ये शरीर छोड़ेगा, छोड़ना पक्का है। तो जीव आत्मा अजर अमर अखंड अविनाशी है, वो मरता नहीं है, जीव है वो, शरीर मरता है, और जीव अमर आत्मा है। जब तक संसार चक्र में भटकेगा, तौलों तारा जगमगे,
जौलो उगे न सूर तौलो जीव कर्मवश डोले जौलो ज्ञान न पूर। जीव कर्मवश डोलेगा भटकेगा संसार में, जैसे बताया जैसे जैसे कर्म किया, कर्म ही इंसान के अच्छी बुरी पहचान है। अच्छी बुरी का पहचान कर्म ही होता है। कहाँ गया है बता देगा। ऐसे ही ये जीव है, अमर आत्मा है, वो मरता नहीं, अमर है। और वो ये शरीर छोड़ेगा तो जैसे आज का संस्कार है उसी प्रकार से परिवार और समाज में जाकर के शरीर धारण करेगा। संस्कार बना लो, एक बार अवसर मिला है, अच्छे जीवन जीने का संस्कार अवसर एक बार मिला है। हमारा जीवन कैसा है, राग में है कि वैराग में है? एक महात्मा कहते हैं आदमी बहुत क्रोधी है, बहुत लोभी है, बहुत मोही है, उसका निश्चित ही ऐसे खाने में जाएगा जैसे कुत्ता है, अति क्रोधी है। क्रोध के कारण से कहां कहां नहीं भटकता है। बंदर है, मोही है, अपने मरे हुए बच्चे को भी पेट में चिपकाए रहता है, छोड़ता नहीं। लोभी, मोही, रागी, द्वेषी, संस्कार है। मनुष्य जीवन में जैसे जैसे कर्म करेगा, जैसे जैसे अतिक्रमण करेगा, श्रृंगार प्रधान है तो निश्चित ही तितली, हिरण आदि के शरीर, मोर का शरीर धारण करेगा। ऐसे महात्मा लोग चिंतन करते हैं। और जो आदमी शतगुणी सात्विक शील स्वभाव का धारण करता है, जैसे एक उदाहरण, ये शरीर है ना, पांच तत्वों का है, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश पांच तत्व माना गया है। लेकिन क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर है। इस शरीर पांच तत्वों का, और वो पांच तत्वों के लिए पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। पांच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा पंच विषयों का रसस्वादन करता है। पंच विषयों का रसस्वादन करता है। और कोई अति कोई आंख का रूप का विषय, कोई शब्द विषय का, इसलिए कहा गया है स्पर्श विषय में पढ़कर देखो हस्ती मारा जाता है, मानुष के हाथों में पढ़कर निधभाला डंडा खाता है। देखो रस में पढ़कर मछली केचुआ युद्ध बंसी खाती है, बंसी मुख में चुभ जाती है, आरत होकर बिल लाती है। निदान वह मारी जाती है, निदान वह बारी जाती है, जलत जलत सलद सलभ समुदाय, पतिंगा है अग्नि में मारा जाता है, हिरण है शब्द विषय में मारा जाता है, भौरा है गंध विषय में मारा जाता है। एक एक विषय, और लेकिन मनुष्य है ये पांचों विषय का अतिक्रमण, जिन जिन विषय का, तो वो विषय हमारे पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा होता है। कैसा है वो आदमी,
रूप विषय का, रस विषय का, गंध विषय का, शब्द विषय का, स्पर्श विषय का, किन किन के विषयों में अतिक्रमण करता है, उसी अनुसार से वो अगला जीवन पाएगा। लेकिन आत्मा है शरीर में, जिसकी सत्ता से मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, वही सत्य आत्मा है। उसका भी पांच तत्व है, उसका भी पांच तत्व है आत्मा का। केवल शरीर का पांच तत्व मिट्टी पानी आग हवा से बना है ये शरीर, लेकिन आत्मा, अमर आत्मा का भी पांच तत्व है। सदगुरु श्री काशी साहेब ने, श्री राम रहस साहेब ने पंचग्रंथी में कहा है, दया क्षमा सत धीर विचारा, पांच तत्व हंसा के सारा। दया करना, क्षमा करना, सत्य मार्ग तन मन वचन में से सत्य अपने जीवन में धारण करना, क्षमा कर देना, दया क्षमा सत्य धीर धैर्यवान रहना और विचारशील रहना, ये पांच लक्षण आत्मा का है। जो आत्मा अनुरागी होगा, जैसे आप सब आए हैं, आत्मा अनुरागी है, आत्मा का प्रेमी है, मेरी आत्मा को कैसे मैं भवबंधन से बचाऊं, कैसे भी भवबंधन से बचाऊं, तो उसके लिए अपनी आत्मा पर दया करो, अपनी आत्मा पर मूल दया जो आप संभारे, अपने आत्मा पर दया करो। और दया करो, जैसे ये चित्र है, ये जो चित्र है काशीराम जी का, काशीराम जी का नया पर आया था, उस समय यहां नहीं आया था, वो यहां आकर के 2 साल रहे। उन्होंने कहा, साहब जी मुझे जाना है। क्यों इतना जल्दी? उन्होंने कहा, मैं गौ सेवा करता हूं, गौ पालन है उसका बहुत सारा, 300-400 गायें थी, भैंस थी, और गौठान भी था उनका, गौ सेवा करना है, गौ माता की सेवा। वो नहीं जानता था सबसे बड़ी सेवा गौ माता का ही होता है। मैंने कहा, आप आमने सामने बैठा था, काशी राम जी गौ माता की सेवा एक अनाड़ी बिल्कुल निपढ़ा भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, वो भी गौ माता की सेवा अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन आप इतने बड़े बुद्धिमान पढ़े लिखे, गौ माता की सेवा के पीछे लगे, इस समझ में नहीं आता है। आप नर माता की सेवा कर दीजिए, नर माता की एक बार नर माता की सेवा कर दीजिए, वो अपलक पलक बांध मारना बंद हो गया उनका, अब बिल्कुल एक टक देखने लगे, मुझे लगता था मुझे घूर करके खा जाएगा। इतने में उनके आंखों से आंसू आया और कहा कि इसके बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप समझाने की कोशिश करें। मैंने कहा कि काशी राम जी, ये शरीर है, ये शरीर वर्तमान शरीर जिस जननी ने जन्म दिया है, जननी ने जन्म दिया है, यदि मेरी आत्मा उस माँ के उस जननी के गर्भ में नहीं गया होता, तो प्रसव का पीड़ा उस जननी के मेरे कारण से न हुआ होता, मेरे कारण से, मेरे आत्मा के कारण से नहीं हुआ होता गर्भ। कितना कष्ट हुआ होगा उस जननी को, हम चिंतन करें, संत जन चिंतन करता है,
शोध करता है तब वैराग्य धारण करता है, सारे राग को छोड़ देता है। उस माँ को कितना पीड़ा नहीं हुई होगी, यहां तक कि प्रसव का दिन आता है, कितने माँ का मौत भी हो जाता है। हमारे आश्रम में, नयापारा आश्रम यहाँ नहीं आया था उस समय, मैं एक संत थे बुढ़ानपुर आश्रम से, उसका नाम विवेक साहेब था। उन्होंने कहा, दो साल पहले आकर के मुझसे कहा, मैं उनके बच्चे की तरह था उस समय। उन्होंने कहा कि आपसे मेरा एक निवेदन है। क्या बात साहब, ये निवेदन क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपका बच्चा की तरह हूं। उन्होंने कहा, ये शरीर अब आखिरी है, ये शरीर आखिरी है, पता नहीं कब छोड़ जाए, लेकिन शरीर को सेवा की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। उस समय उसका उम्र मेरा ही उम्र का था, 73 साल 72 साल का, और 2 साल के बाद 74 साल में उनका शरीर छूटा। सेवा की जरूरत है, लेकिन पूर्ण मुझे विश्वास आपके ऊपर है, आप मुझे रक्षा कर दीजिए, ना मुझे कोई आश्रम में ना कोई संत में, आपका पर ठीक है, मेरे ऊपर विश्वास है, आप आइए। आ गए, रहने लगे, रहने लगे। उनको बरसात के दिन था, दस्त होने लगा, पतला दस्त, और कभी कभी उनके पास जाता, साहब जी कैसे है, उन्होंने कहा नरक हो गया, मल मूत्र बिस्तर में कर दिया, मच्छरदानी भी गंदा हो जाता, बिस्तर भी गंदा, सारे कपड़ा को लपेट करके बाथरूम में ले जाता, जो कपड़ा धोने लायक होता धो देता, और जो कपड़ा फेंकने लायक होता गाड़ देता, तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती रखे। उस समय हम आंखों से देखा, एक जननी प्रसव का दिन उसका आया था, और जीप में कुछ लोग उसके रिश्तेदार परिवार के लोग लेकर के आए थे, उसको उठा करके ले जाना पड़ा डॉक्टर के नर्सिंग होम में। वहां के डॉक्टर नर्स देखे उनके स्थिति को, कहे कि हमारे यहां नहीं संभलेगा, आप शीघ्र ले जाइए रायपुर में। सभी के आंखों में आंसू बहने लगा, और आंसू बहाते हुए लगा, क्या मेरे आत्मा शरीर धारण के लिए ऐसे जननी के गर्भ में नहीं गया होगा, ऐसे जननी को पीड़ा नहीं दिया होगा। काशीराम जी, एक बार जननी का सेवा कर दें, नर माता की सेवा कर दें, हम ऐसे दया का पालन करें, क्षमा का पालन करें, सत्य मार्ग में अटूट लग जाएं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ऊपर उड़ जाएं, मुक्त हो जाएं, आज ही मुक्त, अभी तो हमें, हमारी आत्मा मुक्त हो गई तो कहीं जाना नहीं होगा। अमर आत्मा, जैसे इतना लोग आए हैं, करीब 100 लोग आए हैं, इतने लोग एक एक करके सब भोजन करेंगे और अपना अपना चले जाएगा, लेकिन मैं कहां जाऊंगा, मेरा ठिकाना कहां है, ना मुझे कहीं जाना है, दरवाजा से भी नहीं जाना है, मुझे यहीं है, मेरा यहीं है निवास। ऐसे ही अपने चित्त वृत्ति को अपने में लौटा लो, काम में नहीं, क्रोध में नहीं, लोभ में नहीं, मोह में नहीं, राग में नहीं, द्वेष में नहीं, कौन तुम्हारा है, क्या तुम्हारा है, चिंतन करो, अपने में चित्त को जोड़ ले। एक बार अवसर मिला है, न कोई तुम्हारा न तुम हो किसी के, ये 2 दिन का जीवन ओ 2 दिन का मेला, न कोई तुम्हारा न तुम हो किसी के, ये 2 दिन का जीवन ओ 2 दिन का मेला,
सोच लो कौन किसका है, कोई तुम्हारा नहीं ना तुम किसी के हो। एक काशीराम जी 2 साल पहले जब आखिरी आया उनका, उन्होंने कहा कि मेरा 11-10 को जन्म दिवस है, 11-10 को जन्म दिवस, आप आ जाइए इसी तारीख में, और मुझे अंतिम जो कपड़ा पहनाया जाता है कफन, उसे पहना दीजिए, अब ये शरीर नहीं रहेगा। गया 5 दिन के बाद गया, 17 तारीख को उसके शरीर में कपड़ा लपेट दिया। 2 दिन के बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा नाती से कहा, बेटा सबसे बैठा कहा, इस संतों के शरण को कभी छोड़ना नहीं, एक बार अवसर मिला है, मैं अपने जीवन में क्या नहीं किया, लेकिन संतों को शरण पा करके मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। और 2 दिन के बाद वो फिर शरीर को त्याग भी दिया, त्याग दिया। वो अमर आत्मा चित्त को अपने में जोड़ लिया। आप सब भी चित्त को जोड़ो, ये शरीर 5 तत्वों का है, 5 विषयों में ना भटके, अमर आत्मा में चित्त को जोड़े। 2 तत्वों का संबंध है शरीर, शरीर जड़ चेतन 2 वस्तु है, अति प्रसिद्ध जग माहि, इनके पारख प्राप्त बिना बंधन छूटत ना है। जड़ और चेतन 2 वस्तु है, जड़ इस शरीर और चेतन दोनों के संबंध काल को जीवन कहा जाता है, और दोनों के संबंध छूट गया तो शरीर जड़ हो गया, राम नाम सत्य है, ले जाएगा मरघट में, और अमर आत्मा अपने में डूब जाएगा। ये मुक्त दशा का, नहीं डूब पाया तो अमर आत्मा निकलेगा, पहले निकल जाएगा, और जैसे जहां आशा है वहां मां बाप के गर्भ में चले जाएगा। मनुष्यता का कर्म किया है।